हेलो फूडीज, दिस इज प्रियंका। वेलकम बैक टू माय चैनल सिल्वर स्पून। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, ये रेसिपी देखने में जितना ज्यादा सुंदर है, खाने में और भी ज्यादा टेस्टी बनता है। तो चलिए आज की रेसिपी मैं शेयर कर लेती हूँ। तो एक गर्म पैन में मैंने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टीस्पून बटर। तो बटर को हमें पहले मेल्ट कर लेना है। तो देखिए बटर हमारा बिल्कुल ऑयल के साथ मिक्स्ड हो गया है। और इसी स्टेज में हमें ऐड करना है 1 टीस्पून जीरा, 4 इलायची, 6 लौंग और कुछ टुकड़ा दालचीनी का। इसे हल्का सा चला लेंगे। उसी के बाद हमें ऐड करना है 3 मीडियम साइज बड़े पीसेस में कटी हुई अनियन। और इसी स्टेज में हमें ऐड करना है 1 टेबलस्पून ग्रेटेड जिंजर और लेना है हमें 6 से 7 कलियां लहसुन का। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें बिल्कुल हल्का सा ही फ्राई करना है, क्योंकि हम इसका पेस्ट बनाने वाले हैं। और 2 बेलीव्स यानी कि तेज पत्ता हमने ऐड कर दिया है। आप चाहे तो इसे पहले भी ऐड कर सकते हैं। और मैं ले रही हूँ 2 ग्रीन चिली। बाद में मैं और भी 2 ग्रीन चिली का इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन चिली का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सारे मसालों को हल्का सा फ्राई करने के बाद मैं ऐड कर रही हूँ दही। तो दही जो है वो मैं 4 टेबलस्पून लिया है। और इस टाइम पे इंडक्शन जो है वो बिल्कुल बंद है, क्योंकि गरम पैन में दही ऐड करने से फटने के चांसेस रहता है। तो टर्मरिक पाउडर हमने ऐड कर दिया है 1 टीस्पून, रेड चिली भी 1 टीस्पून और जीरा पाउडर जा रहा है 1 टीस्पून और धनिया पाउडर भी मैंने लिया है 1 टीस्पून से हल्का कम। तो 4 बेसिक मसालों का इस्तेमाल हमने किया है, बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। और सारे मसालों को बिल्कुल हल्का सा ही फ्राई करना है, ताकि इसका जो रॉनेस है वो चला जाए। और 10 से 12 पीसेस काजू का इस्तेमाल हमने किया है और इसे भी हल्का सा चला के फ्राई कर लेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इजी रेसिपी है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ टोमेटो। 2 बड़े साइज टोमेटो का इस्तेमाल हमने किया है, जिसे बड़े पीसेस में कट कर लिया है। और इसे भी हल्का सा अभी हम फ्राई करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा पानी मैं ऐड कर रही हूँ, ताकि टोमेटो जो है वो जल्दी से नरम हो जाए। तो पानी को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें कवर करके 5 मिनट के लिए इसे पका लेना है, ताकि टोमेटो जो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, अनियन भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए तो 5 मिनट हमारा हो गया है और अपना टोमेटो जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। पहले हमें इंडक्शन को बंद करके मसालों को ठंडा करना है। तो मसाला हमारा ठंडा हो गया है, तो यहाँ पे मैं एक ब्लेंडिंग जार ले लिया है और इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके सारे जो मसाला है वो ऐड कर देना है। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, मसाला जो है वो जब गर्म रहे उसे ब्लेंड नहीं करना है, उसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद ही हमें ब्लेंड करना होता है। आप चाहे तो ब्लेंड करने के बाद पेस्ट को एक बार छान भी सकते हैं, ताकि उसके अंदर अगर थोड़ा सा बड़े पीसेस रह जाए तो वो निकल जाए। अगर बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बने तो छानने की ज़रूरत नहीं है। बस तो सारे जो मसाला है वो हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर दिया है, देखिए। तो अभी हम इसको कवर करके एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारा कढ़ाई हो गया है गरम और 1 टीस्पून बटर हमने ऐड कर दिया है। और बटर को पहले हमें मेल्ट कर लेना है। तो चलिए बटर हमारा मेल्ट हो गया है। अभी मैं जो 2 ग्रीन चिली का बात मैं कर रही थी ना, वही 2 ग्रीन चिली मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ग्रेटेड जिंजर। इसे हमें हल्का सा ही चलाना है और बिल्कुल इसी स्टेज में हमें ऐड करना है अपना स्मूथ फाइन पेस्ट। ये देखिए पेस्ट हमारा कितना शाइनी क्रीमी बना है। तो मुझे इसको छानने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आपके पेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत बड़े पीसेस रह जाए तो आप ज़रूर इसको एक बार छान लीजिए, ताकि आपका जो पेस्ट है वो बिल्कुल क्रीमी और शाइनी बनेगा। और इसी स्टेज में हमें ऐड करना है 1.5 टीस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून शुगर और इसे हल्का सा मिक्स्ड कर लेना है। तो चलिए सॉल्ट हमने ऐड कर दिया है और
अभी हमें ऐड करना है पानी। तो पानी मैंने, आप अपने ग्रेवी के रिक्वायरमेंट वाइज पानी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कप पानी का इस्तेमाल किया है और अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स्ड कर लिया है। देखिए ग्रेवी हमारा कितना स्मूथ, सिल्की और शाइनी बना है। तो अभी हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए पकाएंगे। 10 मिनट हमारा हो गया है फ्रेंड्स और ग्रेवी हमारा बिल्कुल रेडी है। देखिए कितना स्मूथ ग्रेवी हमारा बना है। अभी हम इसी स्टेज में ऐड करेंगे पनीर। तो यहाँ पे 250 ग्राम पनीर का इस्तेमाल हमने किया है, जिसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। कोई कोई करता है ना, पनीर को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लेता है, पर शाही पनीर, मटर पनीर जो रेसिपी है ना, मटर पनीर नहीं तो आप पालक पनीर को भी ले सकते हैं। इसको, इसमें अगर आप थोड़ा सा रॉ पनीर का इस्तेमाल करें ना, तो उसका जो फ्लेवर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पनीर को मैंने अच्छे से ग्रेवी के साथ मिक्स्ड कर लिया है। केयरफुली आपको मिक्स्ड करना है, मेक श्योर दैट पनीर जो है वो टूटे ना। बस अभी हम इसको कवर करके बिल्कुल 10 मिनट के लिए पका लिया है, ये देखिए फ्रेंड्स। और इसी स्टेज में हमें ऐड करना है सम फ्रेश क्रीम। वाओ, ये दिखने में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा टेस्टी रेसिपी है ये। कुछ आसान स्टेप का इस्तेमाल करते हुए आप घर पे ही बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर बना सकते हैं। तो चलिए मैं मिक्स कर रही हूँ पनीर के साथ क्रीम को। और इसी स्टेज में हमें ऐड करना है कसूरी मेथी। तो कसूरी मेथी को हम हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो कसूरी मेथी मैंने ऐड कर दिया है। अभी हम हल्का सा सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे और कवर करके इसको 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए छोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सिल्की स्मूथ परफेक्ट अपना जो शाही पनीर है वो बनके रेडी हो गया है। आप भी इस आसान रेसिपी को फॉलो करके अपने घर पे शाही पनीर को बनाइए। नान, रोटी, पराठा, नहीं तो पूरी के साथ इसे सर्व कीजिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है ये। आप चाहे तो किसी पार्टी में भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अपना शाही पनीर जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके थम्स अप कर लेना और साइड का बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे बनाई हुई सारी रेसिपीज का वीडियो सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। थैंक यू।